प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जंगल कौड़िया ब्लॉक रसूलपुर चकिया में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय और महंत अवैधनाथ महाराज ग्रामीण स्टेडियम की भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया, जिसके बाद उनका स्वागत एकल पुष्प भेंट कर किया गया। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्टेडियम, व्यायामशाला खोलना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की भूमि इसके लिए सुरक्षित कर दें। जिला प्रशासन इस भूमि का उपयोग ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए करें ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। उन्होंने रसूलपुर चकिया के ग्राम प्रधान को दोनों संस्था के लिए ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध कराने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि एक साल में निर्माण पूरा कराकर अगले सत्र से बीए एवं बीएससी की कक्षाओं में प्रवेश लेना शुरू कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्टेडियम 3 एकड़ क्षेत्र पर भूमि पर 1327 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल सहित सभी सुविधाओं से युक्त सभी खेल सुविधाओं से लैस होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में डोमिनगर, लाल बड़हरा पुल, 192 करोड़ लागत की सड़कें, इंटर कॉलेज, स्टेडियम की स्थापना हुई है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला, सचिव उच्च शिक्षा शरद कुमार सिंह, खेल निदेशक आर पी सिंह, मंडलायुक्त अनिल कुमार, आईजी नीलाब्जा चौधरी, डीएम के विजयेंद्रन पांडेयन, ब्लॉक प्रमुख विरजेश यादव, जनार्दन तिवारी, शेषमणि तिवारी, पीपीगंज के चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल उपस्थित रहे। एथलेटिक्स की कोई
नौजवानों के सबसे बड़ी सौगात। खेल की जो इस प्रतिस्पर्धा है आज हमारे यहाँ के नौजवान उससे कदम से कदम मिलाकर के आगे उत्तर प्रदेश में ही देश में नाम रोशन करेंगे, नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन करेंगे। मैं आपसे सोनौरा में इंटर कॉलेज देने का काम किया, आपने हरनामपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से इंटर कॉलेज दिया, आपने तमाम विकास योजनाएं कन्यागंज में वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय बना तो आपकी प्रेरणा से बना। आज कौड़िया में भी जो ये महाविद्यालय बनने जा रहा है परमपुर अवैधनाथ जी के नाम से, ये आपके आशीर्वाद और आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हम अपने अवैधनाथ जी को दे रहे हैं और निश्चित रूप से विकास योजनाएं परमपुर योगी आदित्यनाथ जी की पूरी निगाहें कल्पीय गंज पर हैं। हमें पूरी मेहनत और करनी है, चाहे वो सड़के के मध्य में हो, चाहे वो पुल के मध्य में हो, चाहे वो गांव में राशन की जो समस्या है उस पर हो, चाहे गांव में पेंशन की हो, हम सबको मिलकर के जो पार्टी ने नीतियां सिद्धांत दिया हम लोगों को, हम लोग गांव में रात्रि विश्राम भी आपके निर्देश पर करने का काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम लोग अब न्याय पंचायत स्तर पर भी हम गांव में आकर के करने का काम करेंगे जो पार्टी ने व्यवस्था की। मैं पुनः यहाँ आए हुए अपने मंडल अपने आईजी लोग और समस्त विभागीय अधिकारियों का और व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात का ध्यान देना चाहूंगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आगे भी बड़े कार्यक्रम लगे हुए हैं, एक छोटी सी मांग टीपीगंज में कन्या हम लोग का उत्साह हुआ है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां अवैधनाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, वो बहुत बड़े कार्य इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर आज प्रदेश सरकार की ओर से मैं इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए भूमि पूजन करने के लिए हम उपस्थित हुआ हूँ। एक ब्रह्मदेव वंश पीठाधीश्वर पूज्य महंत आदित्यनाथ जी महाराज के नाम पर राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना और दूसरा एक स्टेडियम का शिलान्यास। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मदेव गोरक्षण पीठाधीश्वर पूज्य महंत आदित्यनाथ जी महाराज इस क्षेत्र से 5 बार विधायक थे और 4 बार सांसद थे। जंगल कोड़िया विकास खंड का मुझे लगता है कोई गांव ऐसा नहीं था जहां के लोगों को व्यक्तिगत नाम से वे न जानते रहे हों। 1957 से लेकर के 2014 तक इस क्षेत्र के लोगों का पूज्य महंत आदित्यनाथ जी महाराज से बहुत अटूट संबंध रहा और इसीलिए जब डिग्री कॉलेज की मांग यहाँ के लोगों ने की, जनरल रसूलपुर चकिया से जनरल कोड़िया से यहाँ के प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी ने, श्री गोरख सिंह जी ने, श्री रमाकांत निषाद जी ने, श्री ब्रजभूषण मिश्र जी ने, श्री ब्रजभूषण मिश्र जी और गंभीर यादव के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे यहाँ के ग्राम प्रधान ने सभी लोगों ने जब मांग की तो मैंने पिछली बार भी यहाँ पर कहा था जब मैं जंगल कोड़िया में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में आया था तभी मैंने इस बात को कहा था कि यहाँ पर हम लोग एक डिग्री कॉलेज देंगे और एक स्टेडियम की मांग भी यहाँ पर हो रही थी। क्योंकि जब जंगल कोड़िया की बात होती है तो यहाँ के नौजवानों, यहाँ के पहलवानों और यहाँ के दंगल और कुश्ती प्रतियोगिता के कार्यक्रमों की भी चर्चा होती है। मैं अक्सर जंगल कोड़िया की कुश्ती और दंगल के कार्यक्रम में बहुत कुश्ती में बहुत भीड़ होती है, लोग जहाँ तहाँ खड़े होते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था मिल सके
साथ साथ अन्य खेल कूदों के लिए भी सड़कों पर बच्चों को न दौड़ना पड़े बल्कि स्टेडियम के अंदर उस प्रकार की पिच दी जाएगी जिससे वे लोग जिसको भी प्रैक्टिस करना है स्टेडियम के अंदर ही वे लोग दौड़ सकेंगे। पुलिस में, सेना में, पैरामिलिट्री में भर्ती हो सके और स्वयं अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए भी व्यक्ति के लिए जो एक आवश्यक व्यायाम होते हैं उसके लिए भी हम लोग एक स्टेडियम यहाँ पर देने जा रहे हैं। एक साथ डिग्री कॉलेज की स्थापना और साथ ही साथ एक स्टेडियम का शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि नई विधानसभा के बाद कैंटियरगंज विधानसभा बनी। कैंटियरगंज और पीटीगंज ये दो क्षेत्र, कैंटियरगंज विकासखंड और पीटीगंज टाउन एरिया, ये जंगल कोड़िया के साथ जुड़ करके एक नई विधानसभा का गठन कैंटियरगंज के नाम पर हुआ है। पहले एक क्षेत्र मानीराम विधानसभा पड़ता था और उधर पनियरा पड़ता था। पनियरा विधानसभा क्षेत्र स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की कर्मभूमि रही है। एक लंबे समय तक विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की और इसलिए सुनौरा में उनके नाम पर एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने वहां पर प्रारंभ किया है। उस क्षेत्र के लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो इस बार हम लोगों ने एक इंटर कॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर स्थापित किया है। वहां पर भी अनुसूचित जाति से जुड़े हुए, अम्बेडकर संस्थान से जुड़े हुए लोगों की लंबे समय से मांग थी कि एक स्टेडियम वहां पर बन जाए, एक इंटर कॉलेज की स्थापना बाबा साहब के नाम पर बन जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि दोनों कार्य हम लोगों ने वहां के लिए भी स्टेडियम के किए हैं और दोनों पर कार्य चल रहा है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 14 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। सरकार आने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगा। बिजली के लिए जो लोग तरसते थे 2 घंटे 4 घंटे और गांवों में तो बिजली की स्थिति ऐसी होती थी कि बिजली आने का समय नहीं मालूम होता था और जब आने का समय नहीं होता था तो कब चली जाती थी। बहुत सारे 12-15 वर्षों में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक पूरी पीढ़ी बिजली भी होती है गांव में वे विस्मित सा कर गए थे। लेकिन हम लोगों ने पिछले 14 महीनों के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने सुनिश्चित की और बिना भेदभाव के विद्युत का वितरण हम लोग गांव और शहर में सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले इसके लिए कार्य प्रारंभ हुए। जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हो रहा था वहां विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। जो सड़कें वर्षों से नहीं बनी थी उन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जनता बुनियादी सुविधाओं से अच्छा भी हो, जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं थे उनको सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और भी महिला सदस्य को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। एक बड़ी कार्रवाई, पूरे देश के अंदर हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विगत वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 8,85,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया। शहरी क्षेत्र में 3,60,000 से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया। 40 लाख से अधिक परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाए और साथ ही साथ विद्युत कनेक्शन 36 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। आज के इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन से एक बात कहूंगा और वह ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हर लाभार्थी
आदमी परिवार, हर उस परिवार के पास जो पात्रता की श्रेणी में आता है उसके पास उसका राशन कार्ड हो। ग्राम स्वराज अभियान अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रारंभ किया था और ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्रवाई उसी श्रृंखला का हिस्सा था। उसके पास अगर उसके घर में शौचालय नहीं, उसके घर में व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करने के लिए, इसके साथ साथ अगर उसके पास राशन कार्ड में सत्यापन के बाद उसको अंत्योदय या पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड उसको उपलब्ध करवाना, अगर उसको पेंशन नहीं मिलती है तो पेंशन योजना में विधवा, वृद्धा या दिव्यांग जिस भी श्रेणी में आता है उस श्रेणी में उसे पेंशन देने की कार्रवाई हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कर सके। नौजवान है तो उसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़कर, महिलाएं हैं तो गांव में महिला स्वयंसेवी समूह गठित करके हम उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करें, उन्हें अनुदान दे करके कहीं डेयरी के लिए, कहीं बकरी पालन के लिए, कहीं मुर्गी पालन के लिए, कहीं सिलाई कढ़ाई के लिए, कहीं पर वहां की परिस्थिति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण के छोटे से कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है और उसी ने आज हम लोग आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, आपसे कहने के लिए कि विकास की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, इंटर कॉलेज की स्थापना हो, आईटीआई की स्थापना हो, स्टेडियम की स्थापना हो या फिर लाभार्थी परक योजनाओं से हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में जोड़ करके योजनाओं का लाभ 100% उनके हिस्से में दिलवाने की व्यवस्था करना यह सरकार की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता को दोहराने के लिए आज हम सब एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम प्रधान सुरपुर चकिया को जिन्होंने गांव की एक बड़ी भूमि डिग्री कॉलेज और स्टेडियम के निर्माण के लिए यहां पर उपलब्ध करवाई है। हमारा इस सकारात्मक रवैया होना चाहिए विकास की योजनाओं के प्रति। अगर विकास की योजनाओं के प्रति हम सकारात्मक रवैया अपनाते हैं तो विकास की योजनाओं का लाभ हमें ही प्राप्त होगा और मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि ग्राम सभा की वह भूमि जिस पर लोग बसे न हो, किसी को जाड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो भूमि गांव के विकास के लिए, डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए, इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए, कहीं आईटीआई की स्थापना, कहीं पॉलिटेक्निक की स्थापना, कहीं स्किल डेवलपमेंट का केंद्र स्थापित करने, कहीं चिकित्सालय स्थापित करने, कहीं पर व्यायामशाला बनाने या अन्य विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक है, उन योजनाओं को हम लोगों को गांव के सहयोग से, ग्राम पंचायतों के सहयोग से लागू करने की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि रसूलपुर चकिया ने यह प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि रसूलपुर चकिया गांव में एक भव्य डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। रसूलपुर चकिया ने यहाँ पर हमारे उच्च शिक्षा अधिकारी भी है, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी भी है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि एक समयबद्ध ढंग से इस कार्य को करते हुए अगले सत्र में प्रयास होना चाहिए कि साइंस और आर्ट्स की एक साथ पढ़ाई यहाँ पर प्रारंभ हो, बीए और बीएससी में यहाँ पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो। एक वर्ष में हमें पूरा का पूरा डिग्री कॉलेज का निर्माण करके प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना है और इस विषय जो भी औपचारिकताएं पूर्ण करनी है तत्काल प्रारंभ करके कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और प्रयास होना चाहिए। खेल विभाग के हमारे सचिव भी यहाँ पर हैं, निदेशक भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि स्टेडियम के लिए जितनी भी लैंड आपको चाहिए ग्राम पंचायत के साथ, जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके उसमें लैंड लेकर के एक अच्छा स्टेडियम यहाँ पे बन जाए। जो लोग सड़कों पर दौड़ते हैं उन नौजवानों को स्टेडियम में दौड़ने का अवसर प्राप्त हो, कम से कम सुरक्षित माहौल प्राप्त होगा। और दूसरा, यहाँ पर यह क्षेत्र हमारा कुश्ती के लिए बहुत विख्यात रहा है, पहलवानों के लिए उस स्टेडियम में एक और कहीं अलग से एक अखाड़े का निर्माण भी किया जाना चाहिए जहां पर ये लोग उस अखाड़े का उपयोग भी कर सकें और यहाँ के अच्छे पहलवान
हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेहमान यहाँ से दे सके। अन्य खेलों की गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी वह स्टेडियम और उसके आसपास चलने वाली गतिविधियां बन सके, इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः यहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, जिला प्रशासन के अधिकारीगण हैं, उन सबसे मैं इस बारे में कहूंगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी पूर्वक योजनाएं, वह योजना जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, उजाला योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया है, या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा ज्योति योजनाएं हो, या फिर राशन कार्ड का हो, पेंशन योजनाओं का हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं यह हर पात्र व्यक्ति तक मिलनी ही चाहिए। यह व्यवस्था हम उस अभियान के रूप में ले जो ग्राम स्वराज अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है, और किसी भी गरीब को अपने जायज कार्य के लिए ऑफिसों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए प्रशासन चाहे वह ब्लॉक की इकाई हो, थाने की इकाई हो, तहसील की इकाई हो, अधिकाधिक संवेदनशील और जवाबदेह बने, इसके लिए हमें एक अभियान के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे लाभार्थी पर योजनाओं का लाभ हर उस गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर वंचित को, हर दलित को, हर उस जाति को मिल सके जो उसकी पात्रता में आता है। और इसके लिए विशेष अभियान हम सबको प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर जब जंगल कौड़िया विकास खंड में इस रसूलपुर चकिया गांव में पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के नाम पर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का भूमि पूजन यहां पर हो रहा है और एक स्टेडियम का भूमि पूजन का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, मैं आप सबको एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनप्रतिनिधि और प्रशासन आप तक पहुंचाएगा और आप इन योजनाओं से लाभान्वित होकर के अपने जीवन स्तर को उठा करके समाज और राष्ट्र के निर्माण में आप सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।